नाज़रीन आदाब, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में हम आपको ले जा रहे हैं। हम बात करियर की करते हैं, सपनों की करते हैं, लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज़ यानी चमड़े के सामानों की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो हमें रिजाती बहुत है, जिसके बारे में हम सोचते बहुत हैं, जिसका बाज़ार बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या इसमें बहुत खूबसूरत करियर भी बनाया जा सकता है? FDDI वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इन्हीं सपनों को पूरा किया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर युवाओं को रोज़गार ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ ही नहीं, अपने सपनों की उड़ान भरने का मौका दिया जा रहा है, ये आज की खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदुस्तान जैसी उभरती हुई मईशत में चमड़े का कारोबार एक अहम रोल अदा करता है। आज हिंदुस्तान दुनिया में चमड़े का एक्सपोर्ट करने वाला चौथा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। एक वसी शक्ल अख्तियार कर चुके चमड़े से बने सामान की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, जिसके चलते न सिर्फ जूता बल्कि फैशन ट्रेंड्स के मुताबिक चमड़े से बनने वाली ऐसी अशिया मंजरे आम पर आ रही है, जिसको लेकर नौजवानों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। कपड़े के साथ साथ चमड़े से बनने वाले सामान जैसे बेल्ट, पर्स, बैग्स, जैकेट वगैरह आज फैशन सिंबल बन चुके हैं। चमड़े के कारोबार के वसी शक्ल लेने के साथ ही आज नौजवानों के लिए रोजगार के इम्कानात भी इस मैदान में काफी बढ़े हैं। रिवायती हुनर से अलग आज नौजवान इस मैदान में बाकायदा तालीम हासिल करके अपने मुस्तकबिल को रोशन बना रहे हैं। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज में प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल दोनों तरह की तालीम देकर किस तरह चमड़े से बनने वाले सामान में हुनर और तालीम देने का काम कर रहा है, इसका जायजा लेने के लिए आज हम मौजूद हैं FDDI नोएडा के कैंपस में। हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री में भी भेजते हैं, उनको एक मेजर पोर्शन जो है एक पूरा सेमेस्टर वो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करते हैं, जिससे उनको समझ में आता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और आगे उनको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और वो अपने आप को कैसे इंडस्ट्री के लिए तैयार करें। एक ये हमारा कुछ बाहर से भी हम लोगों ने कोलैबोरेशन करे हैं, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन से हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, साथ ही साथ इटली ऑसिटोरिया इंस्टीट्यूट से भी हमारा हुआ है। इसमें हम लोगों की जो सोच ये है कि कुछ हम लोग फैकल्टी का एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे, साथ ही साथ स्टूडेंट का भी एक्सचेंज प्रोग्राम है और हम लोग उसमें ड्यूअल डिग्री की भी बात कर रहे हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग दैट पॉसिबिलिटी ऑल्सो। तो एक नटशेल में मैं ये कहूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है एक मोर ऑफ ए प्रैक्टिकल, लोगों को इनपुट ज़्यादा दे रहा है थियोरेटिकल इनपुट के साथ साथ। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि खाली थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, हम साथ साथ उनको प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं और जो उसका पोर्शन ज़्यादा है, जिसके कारण से बच्चे को रियल जो इश्यूज़ हैं इंडस्ट्री के वो उनको समझ में आता है और हम उनको उनके लिए तैयार करते हैं जो इंडस्ट्री में जाके वो चैलेंज फेस करेंगे। क्या एडमिशन के प्रोसेस हैं एक FDDI में स्टूडेंट को अगर आना है तो? आइए सर से जानते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आई वुड लाइक टू टेल यू द प्रोसेस ऑफ एडमिशन एट FDDI। हमारे यहाँ पर दाखिले के लिए बच्चों को सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद देर इज़ अ एंट्रेंस टेस्ट। इस सत्र के लिए लास्ट डेट जो है वो 6 मई है, उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम है वो 26 मई को शेड्यूल है। सारा ऑनलाइन प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, उसके बाद पेपर पेन एग्जामिनेशन होता है। बैचलर्स के लिए एक अलग एग्ज़ाम है और मास्टर्स के लिए एक अलग एग्ज़ाम है। बैचलर प्रोग्राम्स के लिए जो कि फैशन डिज़ाइन में है, रिटेल में है, लेदर गुड्स में है एंड वी हैव इट इन फुटवेयर, इसमें एडमिशन के लिए आपको 10+2 इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बैचलर्स। एंड फॉर मास्टर्स लेवल वी हैव 3 प्रोग्राम्स, वन इज़ इन फुटवेयर, वन इज़ इन रिटेल, वन इज़ इन टू कैट कैम। और उसके लिए अ पर्सन फॉर कैट कैम एज वेल एज फॉर फुटवेयर, अ पर्सन शुड बी फ्रॉम द डिज़ाइन बैकग्राउंड। उसका जो बैचलर्स है वो या तो फाइन आर्ट्स की तरफ से होना चाहिए या उसका जो बैचलर प्रोग्राम है वो डिज़ाइन ओरिएंटेड होना चाहिए। उसके बाद वी हैव वन MBA इन रिटेल मैनेजमेंट,
विच इज़ ओपन फॉर ऑल द स्ट्रीम. इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है. आफ्टर दैट बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स वी गिव एडमिशन एंड वी अलॉट कैंपस एज वेल एज द कोर्सेस. देखिए FDDI 1986 में शुरू हुआ था और जब FDDI को इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ये प्लान ही था कि FDDI फुटवेयर एंड प्रोडक्ट सेक्टर को उन ऊंचाइयों पे ले जाए और वो सारी फैसिलिटी एज एन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी प्रोवाइड कराए जो कि इनको ग्लोबल लेवल पे उनकी कॉम्पिटेंसी को प्रूव करने में कामयाब रहे. उस ऑब्जेक्टिव के तहत FDDI ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इन लास्ट फ्यू ईयर्स में. अगर मैं कहूँ तो आज के डेट में इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल मोड ऑफ डिलीवरी, जितनी चीज़ है जो इस सेक्टर के लिए होनी चाहिए वो FDDI अपने तहत इस इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, इस इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों को, इस इंस्टीट्यूशन में जुड़े इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करवा रहा. इस अभी रिसेंटली FDDI ने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो नामी गिरामी हैं, अगर हम कहें तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन जो कि एक अकेला यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में जो इस एरियाज में बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम करा रहा, उसके साथ टाई अप किया है फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज, फॉर फैकल्टी एक्सचेंज. हम अपने बच्चों को अभी लैटरल इंट्री की बात कर रहे हैं उनके साथ, हम अपने फैकल्टीज़ के अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, हम जॉइंट सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को अभी सितंबर में होने वाले एक टाइम में हम एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं वहाँ एक्सकर्शन ट्रिप के लिए, स्टडी ट्रिप के लिए, जहाँ पे बच्चे जाएंगे और लेटेस्ट क्या है उसका एक ओवरव्यू लेके आएंगे. लेदर गुड्स की इस खूबसूरत दुनिया में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो नौजवान मौजूद हैं ये नौजवान हिंदुस्तान की तकदीर हैं. ये नौजवान हिंदुस्तान क्या सोचता है इस करियर के बारे में, ख़ास तौर पर लेदर गुड्स के इस करियर में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह के सपने इनके जहन में हैं, वो ज़रा इनसे जानने की कोशिश करते हैं. और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस भी मौजूद हैं. ये वो डिज़ाइंस हैं जिन्हें आप अक्सर बड़े बड़े शॉप्स में देखते हैं. मुझे आप ये बताएं कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगती हैं और क्यों आप इस करियर में आए हैं, या आपको क्या लगता है कि आगे क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं? लेदर जैसे देखा जाए आज के टाइम पे फैशन डिज़ाइनिंग बहुत इन पे है, लाइक हर जगह पे आप देखते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनर का एक अलग अहमियत है. तो वैसे देखा जाए कि लेदर की अपनी एक खूबसूरती है, उसकी एक अपनी यूनिकनेस है जो कपड़े को उससे अलग करती है. तो जैसे कोई भी चीज़ आप देखें यहाँ पे कि कितनी लाइक उभर के आती है, तो लेदर को जो यूनिक बनाता है तो उस वजह से हम इस लाइन में आए हुए हैं. एक कन्वेंशनल तरीका होता है जिन्हें हम बहुत पहले से भी देखते आ रहे हैं. अभी मैं जैसे कानपुर में था तो वहाँ पर मैंने इस उद्योग को देखा, लेकिन बहुत ही एक अलग अंदाज में. अब जब इंस्टीट्यूट्स में हम देखते हैं IIT, IIM, अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, अब लेदर गुड्स की इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जब पढ़ाई होती है तो उसमें क्या बारीकियाँ होती हैं जो सिखाई जाती हैं? बेसिकली हम देखा जाए तो लेदर इंडस्ट्री सिर्फ स्किल डेवलपमेंट हमारे को सिखाती है, उसके साथ साथ हम लोग डिज़ाइनर्स हैं, जो हम लोग मर्चेंडाइजर्स जो भी हम लोग करते हैं वो हमारे को और एस्थेटिकली बहुत ऊपर रखता है, बाकी लोगों से एज देता है. कैसे? क्योंकि हम लोग खुद का डिज़ाइन करते हैं, हम लोग खुद का डिज़ाइन करके उसको दिखाते हैं, तो फिर वो चीज़ एक बहुत अच्छा अहमियत देता है हमारे को, बाकियों से ज़्यादा अहमियत देता है. ये बड़ी अहम बात है. मुझे बताएं बाकियों से किन किन चीज़ों में अलग हो जाते हैं आप? जैसे जो डिज़ाइनर्स होते हैं उन लोगों के अंदर एक एज होता है कि वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो उनको हमेशा उनकी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो भी मिलता है वो मिलता है, ठीक है. और लेदर डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोगों को क्रिएटिविटी लेदर के अंदर इंडल्ज करनी होती है, जिसकी वजह से वो लेदर और जो बैग्स, जो गारमेंट्स, जो भी हम लोग शॉप्स पे देखते हैं कि जो इतना अच्छा लग रहा है, उसके पीछे हमेशा एक डिज़ाइनर का हाथ होता है कि वो कैसे उस चीज़ को और अच्छी तरीके से बना रहा है. ये इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ही कन्वेंशनल पढ़ाई चलती है, उसके बारे में तो हमें पता है कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, उसके बाद में हम देख रहे हैं MBA, MCA, ये सारी चीज़ें. लेदर इंडस्ट्री को लेकर उतना जागरूक मुझे स्टूडेंट नहीं दिखता. यहाँ पर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं. आप बताएं कि क्या आपको लगता है इसमें? अगर हम लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो लेदर एक अपनी अलग दुनिया है. उसमें हमें सबके अपने अपने वो होते हैं कि उन्हें किस इंडस्ट्री में जाना है, किस लाइन में जाना है. तो डिज़ाइनिंग अपने में ही एक खूबसूरती है. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लेदर वर्क यहाँ पे है. ये आपका लेदर वर्क? हाँ जी.
क्या क्या है इसमें, ज़रा इसके बारे में एक्सप्लेन भी करें हम ये जैसे कि पहले हम इसको स्केच से शुरुआत करते हैं, फिर उसमें हम यूज़ करते हैं कि हम इसमें मटेरियल क्या क्या यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे प्रॉपर एक 3D में वो करते हैं। क्या आपको इसमें संभावनाएं पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं इस करियर में? पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं इस करियर में, जैसे मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकती हूँ और आई कैन बी मर्चेंडाइजर और एन एंटरप्रेन्योर आल्सो। मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, यहाँ पे आके बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखे जैसे फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ, जैसे यहाँ पे सारा काम दिख रहा है यहाँ पे। एंड अभी हमने फिलहाल राइनो एक और सॉफ्टवेयर है वो जो सीख रहे हैं अभी। तो आप पहले इसको 3D में या ग्राफिक्स के जरिए बनाते हैं जैसा इन्होंने बताया, उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार होता है? पहले हम 2D डिज़ाइनिंग बनाते हैं सॉफ्टवेयर पे, फिर हम इसको नॉर्मल बनाते हैं लेदर से। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो हम किसी भी कोर्स के लिए देखते हैं कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है या कुछ, तो आप लोगों ने क्या किया था या आपके जहन में कब आया कि आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकती हैं, इसमें करियर बना सकती हैं? आफ्टर 12th आई सॉ, मैंने न्यूज़पेपर में FDDI का देखा एंड देन आई अप्रोच यस एंड देन आई फाउंड। कैसे लगा कि लेदर इंडस्ट्रीज या एक्सेसरीज या इस डिज़ाइन में भी एक कोई करियर हो सकता है? मेरा पहले से ही क्रिएटिविटी में काफ़ी डाउन था, पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाना काफ़ी अच्छा लगता था, तो मुझे लगा कि इसमें मेरा कैरियर काफ़ी अच्छा हो सकता है। मुझे आप बताएं आप क्या कर रहे हैं और कैसे आपने सोचा कि इस फील्ड में आपको करियर बनाना चाहिए या इसकी पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए आजकल इंडिया में डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत सारे हो गए हैं, तो एक ये अलग फील्ड है, बहुत कम लोग चूज़ करते हैं इसको टू बी अ डिज़ाइनर, इसको परस्यू करना। और देखा जाए तो कॉम्पिटिशन कम नहीं, इधर भी कॉम्पिटिशन है बट एक अलग फील्ड है। इधर आपको एक क्रिएटिविटी, एक ओपन माइंड देते हैं, आप कुछ भी फ्रीडम कर सकते हो, आप अलग अलग लेदर को कुछ भी प्ले कर सकते हो उसके साथ, जो आपका मन करे आप उसके कर सकते हो थोड़े फ्रीडम लेके। और अगर दूसरे कोर्सेज से कंपेयर करें तो उधर थोड़ा सा बाउंडेशन होता है कि आपको इस पाथ को फॉलो करते हुए, यहाँ पर भी प्रोसेसेस हैं पूरे, हम वो प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसके बाद हम जाके एक बैग बना पाते हैं। और लेदर का एक एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो रॉ लेदर बैग्स वगैरह मोस्टली शूज़ से ज़्यादा बैग्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक प्लस पॉइंट है लेदर गैजेट्स में आने का कि एक्सपोर्ट भी मैं कर सकता हूँ एज अ मर्चेंडाइजर और अ प्रोड्यूसर। आपको कब पहली बार ये पता लगा कि ऐसा भी कोई करियर हो सकता है, कब लगा कि मुझे इसमें करियर बनाना चाहिए? मैं स्टार्टिंग से ही ये डॉक्टर इंजीनियरिंग तो कभी नहीं चाहती थी, मैं कुछ अलग ही चाहती थी हमेशा से, और मेरा इंटरेस्ट भी था ड्राइंग वगैरह में, तो इसीलिए मैंने ये फील्ड चुनी थी। और आजकल के बच्चे ज़्यादातर टेक्सटाइल्स वगैरह होते हैं, गारमेंट्स में भी जाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे को इससे अलग ही जाना था इसलिए मैंने ये फील्ड चूज़ करी। आज हम आपको ये नौजवान हिंदुस्तान की एकदम एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ लेदर गुड्स और एक्सेसरीज़ के लिए बच्चे किस तरह से अपने करियर को तैयार कर रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। स्टिचिंग लैब में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बच्चों को स्टिचिंग सिखाई जाती है कि कैसे आप लेदर की जो एक्सेसरीज हैं उनकी स्टिचिंग करेंगे। यहां पर मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अदिति जी हमारे साथ पहले मौजूद हैं। अदिति जी मुझे बताएं कि यहां पर क्या सिखाया जाता है बच्चों को और किस तरह से वो उनके करियर के लिए या भविष्य के लिए? जी बिल्कुल, आपने अभी स्टूडेंट्स की ज़ुबानी आपने सुना, अब हम आपको अपने नज़रिए से बताते हैं कि हम इन्हें क्या पढ़ाते हैं। बैचलर्स इन डिज़ाइन एक 4 साल का प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम, जो हम 12वीं पास बच्चों को कराते हैं। तो दाखिले के लिए वो एक ऑल इंडिया टेस्ट के लिए अपेयर करते हैं और कंपटीशन बेसिस पे उनकी एक मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, उसके बेसिस पे हम उन्हें कोर्स ऑफर करते हैं। और जब वो डिपार्टमेंट में आ जाते हैं उसके बाद ना कि हम उन्हें सिर्फ एक बैग बनाने की कला सिखाते हैं, बल्कि एक बैग बनाने, उसके बेचने और इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो हम उन्हें सब कुछ सिखाते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो पहला साल होता है उस कोर्स का, बच्चे बेसिक स्किल्स सीखते हैं जैसे बेसिक स्केचिंग, कलर्स की थियोरी, क्या हार्मनीज होती हैं कलर्स की, उसके बाद अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को कागज़ पे कैसे उतारा जाता है बेसिकली। सेकेंड ईयर हम उन्हें चमड़ा, जो कि हमारा कोर मटेरियल है जो जिससे वो काम करते हैं, हम उसे उन्हें पूरी तरह पढ़ाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सिखाते हैं, जहाँ जिस तरीके से चमड़ा प्रोसेसिंग होती है वो पूरा पढ़ाया जाता है, और उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। जब उसके बाद जिसे हम तकनीकी फाउंडेशन कहते हैं, तीसरा साल बच्चे डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, हम उसको बढ़ावा उनकी स्किल्स को ऐसे देते हैं कि हम उन्हें फैशन ट्रेंड फोकास्ट कैसे करना है, इंटरनेशनली 2 साल बाद कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर को
कैसे पसंद आएगा, हम उसे वो स्किल सिखाते हैं जिसे हम फैशन ट्रेंड फोरकास्टिंग कहते हैं। तो हम उसे मार्केट, कंज्यूमर, टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिससे हम उन्हें ना कि सिर्फ वो, क्योंकि एक स्किल नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे, वो एक प्रोफेशनल बनने आए हैं। तो ये हमारा प्रोग्रेशन रहता है कोर्स का। और फाइनल ईयर जिसमें बच्चे अपना कलेक्शन बनाकर रैंप पे पेश करते हैं इंडस्ट्री के सामने, जो कि काफ़ी सराहनीय रहा है अभी तक, हम ये हमारा पूरा प्रोग्रेस है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने भी अपना करियर इस फील्ड में बनाया, अब आप बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं, कितना आपको लगता है डिफरेंस आया है? क्योंकि एक समय पर इन मशीनों के साथ बच्चों का काम कर पाना या ये एक्सपर्टाइज इंडिया में मिल पाना, ये बड़ा चैलेंजिंग था। कितना वक्त बदला है और आपको लगता है कि इसको लेकर अब अवेयरनेस बढ़ी है, मतलब लेदर गुड्स और एक्सेसरीज को के करियर को लेकर बच्चों में जागरूकता? या बिल्कुल सर, आज से 12-15 साल जब पहले मैंने लेदर गुड्स में पढ़ाई करी थी, कुल 2 या 3 जगह ये कोर्स चलाया जाता था। FDDI में ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ 2006 में, जब हमें इंडस्ट्री से रिक्वायरमेंट आनी शुरू हुई कि उन्हें डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, काफ़ी पोटेंशियल है इस फील्ड में स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल क्रिएट करने का, प्रोफेशनल बनाने का। तो FDDI जैसे हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने FDDI इंस्टीट्यूट को लेदर गुड्स पढ़ाने की अनुमति मिली और ये डिपार्टमेंट 3 या 4 कैंपसेज में शुरू हुआ इनिशियली। तो अगर मैं उस वक्त जाऊँ जिस वक्त मैं पढ़ रही थी, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इंटरनेशनल जर्नल्स इतने अवेलेबल नहीं थे लाइब्रेरीज में, बच्चों में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्रेज और क्रेज सिर्फ फैशन डिज़ाइन का मतलब था सुंदर कपड़े बनाना, सुंदर कर, बट एक गारमेंट इनकम्प्लीट है एक बैग, एक शू, एक हैट, एक एक्सेसरी के बिना। तो उसको, उस कमी को पूरा करने का, एक पूरा ओवरऑल फैशन पैकेज ऑफर करने के लिए ये इस प्रोग्राम को काफ़ी बढ़ावा मिला। वक्त बदला है और बदलते वक्त के साथ में हिंदुस्तान में अब काफ़ी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं लेदर गुड्स के करियर को लेकर। हमारे साथ संतोष जी भी मौजूद हैं, एक और एक्सपर्ट जिनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर वक्त कितना बदला है और बच्चों को FDDI में किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। संतोष जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या हम इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दे पा रहे हैं या वो फैसिलिटीज़, वो तमाम मशीनरी हमारे पास मौजूद है जो दुनिया में बच्चे कहीं भी लेदर गुड्स और एक्सेसरीज़ की पढ़ाई करने के लिए जाएँ वहाँ पर चाहिए? जी बिल्कुल, लेदर सेक्टर जो भी है ये बेसिकली क्राफ्ट सेक्टर है और जिसका ओरिजिन वहीं से हुआ है। ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा, सदियों से ये क्राफ्ट रहा है, कोई आज का क्राफ्ट नहीं है। और इतने सालों से लोगों ने जो, जिसको हम नेटिव नॉलेज कह सकते हैं या फिर इंडिजिनस नॉलेज कह सकते हैं, इसके बेसिस पर इस क्राफ्ट को बढ़ाया। शुरू में जूते बनते रहे, जब राजास का समय था तो तलवार की म्याने बनती थी, फिर जब नए बुलेट्स आए तो लोगों ने उसके लिए, बुलेट के लिए पाउचेस बनाने शुरू किए, होल्स्टर्स बने। हम सभी जानते हैं घोड़े और ऊँटों पे भी और हाथियों पे भी जीन का काम होता रहा, काफ़ी सालों तक ये सब रहा। तो मूल रूप से इसका उद्भव मुझे लगता है वहीं से रहा, जो कि अनंत अननोन एरा से रहा। और फिर धीरे 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 इसमें चीज़ें ऐसी होती गई कि कम प्रोडक्शन की नहीं, अब ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करनी पड़ी हमें। इंडिया में कंजम्पशन या इंडिया में मार्केट कितना? इंडियन मार्केट बहुत हद तक काफ़ी इजाफा इसमें है। और सबसे इसमें दरअसल क्या होता है कि कई कुछ चीज़ें खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई बार कागज़ों पे होती हैं और कई बार कागज़ों पे नहीं होती हैं। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। जो कागज़ों पे होती है यानी कि वाइट मार्केट, ये तभी हो पाता जब ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पर पैसों के लेन देन का हिसाब या फिर सामान कितना है और कितना गैस का हिसाब रखना संभव हो पाता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्योंकि कारीगर अक्सर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और ये अपनी व्यवस्था इस तरह से नहीं कायम कर पाते, तो उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो ये इजाफा काफ़ी ज़्यादा है, करीब 10% से 15% तो है ही है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ ये कागजों पर जो है उसकी मैं बात कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन वास्तव अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसे कहीं ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि अभी जो हम स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं या जो इंडस्ट्री तैयार कर रहे हैं वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए डेफिनेटली, क्योंकि जैसा बच्चों ने मुझे बताया कि यहाँ कैंपस सिलेक्शन और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो ये करियर के लिहाज से आप कितना, मेरा सवाल यही था कि ये मार्केट कितना बड़ा हो रहा है जहाँ पर इन बच्चों की ज़रूरत है या और ज़्यादा ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय? देखिए, ये इसमें कई सारे सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स एंड सब सेगमेंट्स हैं। जैसे कि मूल रूप से जो जितने जो स्थायी रूप से जो पहले से एस्टैब्लिश्ड सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर तो हैं ही हैं। इसके अलावे अभी जैसे हम लोगों के पास कई सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि आप स्पोर्ट्स वियर
इसके अलावा ग्लव्स, ऐसे कुछ बहुत सारे मार्केट्स हैं जिसमें कि अभी भी हमारा इंडियन जो प्रोड्यूसर सेगमेंट है उसकी डिपेंडेंसी यूरोपियन मार्केट पे ज़्यादा है। और उस ये जो सेक्टर है इसमें अगर हम अपना उत्पाद जो शुरू करने वाले हैं या प्रारंभिक चरण में शुरू कर भी लिया है कई जगहों पर, अगर इसमें इजाफा होता है तो ये पूरा मार्केट ही हमारा होगा, तो वो कितना भी हो सकता है इसके बारे में अभी तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सो लेदर गुड्स और एक्सेसरीज को लेकर ये मार्केट कितना बड़ा है इस बारे में हमने जाना है एक्सपर्ट से, साथ ही साथ कितनी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं इन स्टूडेंट्स के लिए करियर में, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये चीज़ें भी हमने जानी। तो FDDI जैसे इंस्टीट्यूट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और यहाँ पर कुछ और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जैसा हमने आपको बताया, विजुअलाइजेशन या फिर ग्राफिक वर्क्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ कुछ मैनुअल कटिंग और ग्राफिक वर्क्स हो रहा है, तो मुझे बताएं क्या यहाँ पर चल रहा है। सर, ये एक्चुअली पैटर्न मेकिंग हो रहा है, जो हम बैग्स बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, उससे पहले हम पैटर्न्स कट करते हैं, उनकी मेजरमेंट्स देखते हैं ताकि वो सही फिट आए कोई भी पर्सन पे। तो बेसिकली हम पहले पेपर से ये कट करते हैं, मेजर लेते हैं हर एक चीज़ की, जैसे वेस्ट हो गया, बस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, जैकेट्स के लिए ये है, और बैग्स के लिए डिफरेंट शेप्स है, साइजेस है, तो उसके लिए हम पहले पैटर्न्स तैयार करते हैं, फिर हमारा फिर सेक्शन आता है मॉकअप का, फिर वहाँ हम देखते हैं उसके बाद। ये बेसिकली उसी के लिए। ये आप बताएं अभी किस तरह के पैटर्न आप कट कर रही हो, क्या गारमेंट, ये गारमेंट्स के पैटर्न्स हैं, जैसे वेस्ट का और ऊपर शोल्डर का, बस्ट हो गया, उन सब के पैटर्न्स होते हैं अलग अलग, ताकि जो भी हमारा जिसको भी वो गारमेंट्स पहनाना है उस पर वो फिट आए। ये पीछे कुछ डिज़ाइन है, ज़रा इसके बारे में बताएं आप किस तरह के डिज़ाइन हैं। सर, पहले हम एक अपनी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम एक अपना एक कुछ चूज़ करते हैं, कोई भी थीम या कुछ, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम अब सॉफ्टवेयर स्टेप होता है इंस्पिरेशन बोर्ड, जिसमें हम नए नए डिज़ाइंस लेते हैं और उसको अपने तरीके से क्रिएट करते हैं। देन आता है मूड बोर्ड। मूड बोर्ड एक ऐसा है जिसमें कलर्स, थीम, पैटर्न, ग्राफिक्स सारे को इम्प्लीमेंट करते हैं और मर्ज करते हैं। हाँ, बेसिकली आप एक प्रोडक्ट देख के अपना मूड क्रिएट कर, पहले आपको मूड क्रिएट करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले, तो उसके बाद फिर ये थोड़ा समझाइए, जैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात करते आ रहे हैं, पैटर्न की, बैग्स की, गारमेंट्स की, ये बेसिक सभी के लिए ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, किसी भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले ये 4 बेसिक स्टेप है, जिसमें कि हमारा इंस्पिरेशन बोर्ड आता है, फिर मूड बोर्ड आता है, लुक बोर्ड आता है, ये मटेरियल बोर्ड आता है, देन उसके बाद स्टार्ट होता है जितने भी टेक्निक्स वगैरह हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सिर्फ कटिंग, पेस्टिंग या इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे चलती है सारी डिज़ाइन, तो ये कैसे तैयार हो, वो जहन कैसे तैयार हो जो आपको इस तरह की खूबसूरत डिज़ाइन देगा, उसकी तैयारी भी यहाँ पर की जाती है, और कुछ ऐसे ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर हैं। ये बोर्ड, इंस्पिरेशन बोर्ड, ये सब बनने के बाद फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट ट्रेंड में होने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइंस उसके बनाते हैं। तो पहले स्वॉचेस बनते हैं, उसके बाद फिर ये फाइनल बैग पे आता है। एकदम एक अलग दुनिया है, मैं भी अभी इस दुनिया से वाकिफ नहीं था, लेकिन अभी एहसास हो रहा है कि लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज की ये दुनिया बहुत बड़ी है, और ज़ाहिर तौर पर जब ये दुनिया बड़ी है तो इसमें करियर और संभावनाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज़ में कितना ज़बरदस्त करियर है ये अभी तक हमने देखा है, पूरी दुनिया में इसकी ज़बरदस्त डिमांड है, हिंदुस्तान में मार्केट डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, युवाओं में इसको लेकर क्रेज़ भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसमें अभी उतना कंपटीशन नहीं हुआ है, इसलिए युवा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। गुड्स एंड एक्सेसरीज़ के अलावा गारमेंट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। श्वेता जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, एक और एक्सपर्ट जो यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। श्वेता जी, ये गारमेंट सेक्टर कितना बड़ा है हिंदुस्तान में खासतौर पर, क्योंकि जैसे ही लेदर की बात होती है तो हम तो ज़्यादातर जैकेट्स वगैरह तक ही सीमित रहे, वो भी बहुत महंगी है सोचकर नहीं ले पाते थे, पर ये मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में इसको लेकर किस तरह का मार्केट डेवलप हुआ। हिंदुस्तान में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है लेदर सेक्टर में, आपने तो देखा ही है, लेदर गुड्स का देखा है, गारमेंट में भी हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इंटरनेशनली है। और हम लोग जो स्टार्ट करते हैं गारमेंट का स्टार्ट करते हैं, ये पैटर्न मेकिंग जो भी बनाते हैं वी स्टार्ट विद, ये कपड़े से आपने इसको तैयार किया है पहले? हाँ, पहले कपड़े से इसका बेसिक नमूना बनाते हैं, बिकॉज हमारा लेदर होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और एक बार स्टिचिंग होने के बाद उसमें जो छेद हो जाती है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों को पहले कपड़े पे सिखाया जाता है, कपड़े पे उनका पैटर्न सही होता है, उसके बाद उनको चमड़े पे बनाया जाता है। एक ही मौका मिलेगा, और दैट इज़ उसके कारण हमें उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है इसके
प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर कपड़े पे प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो लेदर पे कन्वर्ट करते हैं। हिमांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, अब ये जो फाइनली मैं देख रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, इनका मार्केट ये इंडिया में है, विदेशों में है, कहाँ इनका मार्केट ज़्यादा होता है? सर देखिए, अगर आप इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो और इंटरनेशनल मार्केट में, तो चमड़ा एक ऐसा मटेरियल है जो कि ठंडी जगहों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो अगर हम इंटरनेशनली बात करते हैं तो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो है टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहता है एज़ कम्पेरेटिव टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में हर तरीके का एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा एडवांसमेंट है कि हर एरिया का टेम्परेचर अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है। तो लेदर की अगर बात करते हैं तो लेदर ऐसा मटेरियल है, लेदर हर कोई गर्मी में पहन के तो घूमेगा नहीं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जैसे हम बात करते हैं जो हमारा हिमालयन रीजन एरिया है, जहाँ पे हमारे माउंटेन्स और बर्फ वगैरह जहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लिए लेदर बहुत सूटेबल होता है। लेदर गारमेंट्स की जब आप बात, लेदर गारमेंट्स को हटा के अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करते हैं, तो जैसा अदिति मैडम ने बताया था कि एक्सेसरीज़ ऐसी चीज़ है कि वो गारमेंट को कंप्लीट करती है, तो जिसकी रिक्वायरमेंट आज की डेट में अगर हम बात करें, जैसे जूता है या वॉलेट है या बेल्ट है, आप कपड़ों के अलावा तो हम मैचिंग देखना चाहते हैं कि हमारी बेल्ट भी जो है सूट करे। जैसे हम पहले एक्सेसरीज, अगर हम गारमेंट की कपड़े की एक्सेसरीज की बात करते थे तो हम टाई उतना सोचते नहीं थे, बट फिर भी जैसे हम टाई लगाते थे, टाई पहनते थे, सॉक्स को थोड़ा सा रखते थे, बट उसी तरीके से अब जूते के साथ, वॉलेट और बैग के साथ, हर किसी के साथ आज की डेट में आप सुबह से रूटीन अगर मान के चलिए तो सुबह आप उठते हैं तो अगर ऑफिस निकल रहे हैं तो बैग चाहिए, उसमें आपकी ज़रूरत का सामान हो। और हर ओकेजन, जैसे फीमेल्स की अगर आप बात करते हैं, विमेंस की, तो विमेंस में हर ओकेजन के लिए उनके पास एक बैग होना ज़रूरी है। इंडिया में अब लेदर गुड्स और एक्सेसरीज़ को लेकर ये मार्केट और इसका एजुकेशन का जो स्फीयर है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, और इसमें ज़बरदस्त पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारे चमड़े के सामान की, लेदर गुड्स की ज़बरदस्त मांग है। नौजवान हिंदुस्तान में आज हमने बिल्कुल ये एक अलग दुनिया आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस करियर को अपनाएंगे और अपने भविष्य को और बेहतर करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। आप लगातार हमें देखते रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान हिंदुस्तान के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।